सोमवार को शिकायती आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम कालापानी निवासी ओम प्रकाश पुत्र आशाराम पटेल ने अपने घर पर हुई चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों का खुलासा कर चोरी का माल वापस दिलाने की मांग की है। ओम प्रकाश ने बताया कि 24 नवंबर की रात को उसके घर से अज्ञात चोर पिपरमेंट के तेल की कैन चोरी कर ले गए थे। घटना को अंजाम देने वाला एक चोर गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था, जिसकी फुटेज पीड़ित के पास है। ओम प्रकाश का कहना है कि ओरछा रोड थाना पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक चोर सुरेंद्र पुत्र पूरन लाल पटेल निवासी ग्राम पनोठा का नाम ही उजागर किया है। शेष चोरों के नाम नहीं बताए जा रहे हैं और चोरी के माल का खुलासा भी नहीं किया जा रहा है। इन लोगों ने एसपी को आवेदन देकर चोरी में शामिल सभी चोरों के नाम उजागर करने तथा चोरी का माल वापस दिलाने की मांग की है। सर, हमारी चोरी हुई थी, उसका आवेदन दिया है पुलिस अधीक्षक को। कैसी चोरी हुई थी, क्या सामान? पेपरमेंट की चोरी हुई थी हमारी, रात में करीबन मान लो 24 तारीख को चोरी हुई थी। तो अब क्या परेशानी आ रही है जो आवेदन दिया है क्या? उसमें परेशानी आ रही है कि पुलिस पूरी जाँच करे और साथ में चोरों का ही पता लगाए कि साथ में कौन है।